हेलो अभी आज हम बात करेंगे मिस मार्वल के ऊपर मिस मार्वल की फ़र्स्ट एपिसोड मैं आज देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इसकी स्टोरी और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि एम सी यू का फर्स्ट साउथ एशियन प्रोजेक्ट है और इसके अंदर पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तानी नॉर्म्स और पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के साथ साथ इंडिया के भी कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वगैरह को कास्ट किया गया है और यहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है इसका गुड पार्ट यह है कि इसके अंदर मुसलमानों की और जो है पाकिस्तानियों की एक सॉफ़्ट इमेज दिखाई गई है जो कि बाकी मूवीज़ में या बाकी किसी और चीज़ में जिस तरह से नहीं दिखाई जाती है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो पोट्रेट किया गया है और यहाँ का कल्चर यहाँ के आर्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है तो चलते हैं स्टोरी की तरफ़ स्टोरी स्टार्ट होती है ईमान वेलानी से जो कि कमाला खान का रोल प्ले कर रही हैं और यहाँ पे ये टीन लड़की है और ये अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो न्यू जर्सी में रहती है ये एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करती है और जनाब ये बहुत बड़ी एवेंजर्स की फ़ैन है जिसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा बिग फैन दिखाया गया है डाई हार्ट फैन जिसको आप कह सकते हैं एवेंजर्स का और सुपर हीरोज़ का तो जनाब ये न्यू जर्सी में अपने पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ रहती है पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं तो जनाब ये एक टिपिकल मुस्लिम पाकिस्तानी फैमिली इसके अंदर दिखाया गया है लड़की जो है वो एक यूट्यूबर है और इसका अपना एक चैनल है स्लॉट बेबी प्रोडक्शन के नाम से जहाँ पे इसने जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ वग़ैरह शेयर की हुई हैं जिसके अंदर वो एवेंजर्स की स्टोरीज बता रही होती है दिखाया जाता है कि वो तकरीबन दस वीडियोज़ शेयर कर चुकी है दस स्टोरीज़ बयान कर चुकी है जिस तरह से बिल्कुल एक स्टोरी वो बयान करती है जिसके अंदर एंड गेम की बार में हुआ था कि थानूस के ऊपर जो है वो अगेंस्ट सब ने हमला कर दिया था और जो है वो ये कैप्टन मार्वल ने आके इसको बचाया था तो जिस तरह से वो कैप्टन मार्वल बचाती है पूरा एंड गेम के अंदर तो ये बिल्कुल वैसे ही तमाम स्टोरीज़ वग़ैरह बयान कर रही होती है और जनाब इसके अंदर ये भी दिखाया जाता है कि वो आखिर में ये बोल देती है कि जो कैप्टन मार्वल है वो नया कहाँ चली गई है ये वो वगैरह वगैरह ये पूरी स्टोरीज है इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है देखने से ताल्लुक़ रखता है और ये काफ़ी डूडल्स वग़ैरह भी बनाती है तो इसका जो रूम है वो बहुत ज़बरदस्त सा डेकोरेट वग़ैरह हुआ हुआ है तो मुझे इसका आइडिया काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से ये अपना यूट्यूब चैनल चला रही है और ये स्टोरीज वगैरह एक्सप्लेन करती है एग्जैक्ट सेम कॉमिक्स की तरह कॉमिक स्टोरी के अंदर भी जो कमाला थी वो यही करती थी कि जो है वो स्टोरीज वगैरह बता रही होती थी और सेम एग्जैक्ट ये यहाँ पे डिफरेंट एवेंजर्स की स्टोरी यहाँ पर दूसरे जो हैं वो एवेंजर्स को दूसरे सुपर हीरोज़ को सुना रही होती है और ये ज़्यादातर जो है वो बिग फैन है कैप्टन मार्वल की तो कैप्टन मार्वल के डिफरेंट रूप्स वगैरह को भी इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट किया हुआ है तो ये देखने को आपको मिलेगा कैप्टन मार्वल का जो है वो मिस मार्वल का जो है देख लीजिएगा आप लोग काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो दिखने में इन शॉर्ट दिखाया जाता है कि ये लड़की काफ़ी आर्टिस्टिक है आगे चल के हमें दिखाया जाएगा कि कमाला जो है वो काफ़ी हर्डर्स वगैरह का फेस करती है लाइफ में इसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना है क्योंकि ये बिलोंग करती है पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड से और बीइंग अ ब्राउन गर्ल इसको अपनी क्लास से जो है वो इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिलती है और वो इसके इतने ज़्यादा ख़ास दोस्त वगैरह भी नहीं है काफ़ी इसको हेट का सामना रहता है अपने क्लास से और बहुत ज़्यादा तंग वगैरह भी कर रहे होते हैं तो इसको इस तरह से जो है वो एक स्ट्रगलिंग टीनेज के तौर पे दिखाया गया है यहाँ इसकी एक दोस्त है जो कि मुस्लिम फ्रेंड है इसकी और इसके अलावा यहाँ इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है ब्रोनो अकॉर्डिंग टू कॉमिक भी ब्रोनो जो है वो कमाला का बेस्ट फ्रेंड है और आगे चल के जो है ये इसका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा और इसकी काफ़ी हेल्प हाँ करेगा अब दिखाते हैं कि कमाला जो है वो ड्राइविंग सीखने जाती है और ड्राइविंग सीखते हुए सीखने के दौरान जो है वो एक गाड़ी को हिट कर देती है लाइक जब वो हिट कर देती है तो उसका जो लाइसेंस जो है वो नहीं मिलता कमाला को और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो जब इसके पेरेंट्स आते हैं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मजाक जो है वो ये क्या करते हैं ये उल्टा अपनी बेटी को डिफेंड करते हैं और जो है वो लेके चले जाते हैं इस तरह से केस अब दिखाते हैं स्कूल सीन यहाँ पे दिखाते हैं कि ब्रोनों कमाला जा रहे हैं और उनकी रजा एक बोर्ड पे बढ़ती है बोर्ड पे हाई स्कूल का बोर्ड होता है जिसके ऊपर मिस नावल से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनके नाम वगैरह महम थे लाइक जिन्होंने मिस नावल लिखा जिन्होंने मिस नावल की स्टर स्टरिंग की जाने है किया ये वो वगैरह वगैरह अब आगे चल के मिस कमाला को दिखाया जाता है कि कमाला के दिमाग पे हर वक्त जो है वो एवेंचर्स सवार रहते हैं लिहाजा और उस वो डूडल्स वग़ैरह बनाती रहती थी तो उसको क्या करते हैं उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है ताकि वो अपना फ़ोकस स्टडीज़ के ऊपर कर सके अब दिखाया जाता है कि दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एवंजा कॉन में किस तरह से जाया जाए एवंजा कॉन एक इवेंट होने वाला है न्यू जर्सी में एम का और ये मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से एक इवेंट है और जिसके अंदर कमाला को और ब्रोनो को जाना है और कमाला का जो है वो बहुत ज़्यादा मेन इंटरेस्ट है क्योंकि वो अब वो भी जो है वो एवेंजर लवर्स है और वो इवेंट भी है एवेंजर लवर्स के लिए ही है बेसिकली और उसके अंदर डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में कॉस्प्लेस वगैरह के अंदर जो है वो लोग आने वाले हैं और उनके आपस में जो है वो बहुत बड़ा कॉम्पटिशन वगैरह भी होगा तो ब्रोनो और कमाला जो है वो मिलकर एक कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन करते हैं अब यहाँ दिखाते हैं कि कमाला के भाई की शादी होने वाली है और इसकी भाई की शादी की तैयारियों के सिलसिले में कमाला और कमाला की मॉम शॉपिंग करते हुए भी नज़र आते हैं यहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल में देसी कल्चर दिखाया गया है हमारा पाकिस्तान पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पे शो किया गया है दैट दे, इज़ वेरी गुड पार्ट यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रेसिस पाकिस्तानी म्यूज़िक वगैरह तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है ब्रोनो और कमाला को दिखाया जाता है कि जो कि परेशान होते हैं कि किस तरह से जो है वो एवेंजर कौन में जाया जाए क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो कमाला खान नहीं मिला था इसके अलावा अब ये परेशानी इनको लाप कि किस तरह से परमिशन ली जाए यहाँ दिखाते हैं कि कमाला को उसकी नानी की तरफ से एक बॉक्स रिसीव होता है और ये बॉक्स उसके भाई को एक्चुअली शादी के गिफ्ट के तौर पे आया था जिसे कमाला खोलती है तो अंदर से निकलता है एक बैंगल और एक्चुअली यही बैंगल है जो कि इस पूरी स्टोरी में जो है वो डिफरेंट पावर जनरेट वगैरह करने का जो है वो सबब बना है इसके इस, इसी को पहनने के बाद जो है वो कमाला uh, जो है वो डिफरेंट पावर्स सुपर पावर्स फील करेगी अब कमाला क्या करती है कमाला अपने पेरेंट्स से एवेंजर कॉन में जाने की परमिशन मांगती है जिसकी जिसको मतलब जिसको सुनते साते इसके पेरेंट्स जो है उसको साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि इवेंट था वो रात में होना था और उसके अंदर कमाला को जो है वो टाइट कॉस्ट्यूम भी पहन के जाना था उसके पेरेंट्स सेफ्टी साइड और एज ए कल्चरल और नाम जो कि हमारी है उसके चलते कमाला को रात में जाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो यहाँ पे कमाला का जो है वो एक आर्गुमेंट दिखाया जाता है अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी सैड सीन है लेकिन फिर ये होता है कि उसका भाई उसको मना लेता है और उसकी मॉम को मना लेता है उसकी मॉम कंडीशंस रखती हैं उसके आगे कि वो जाना चाहती है तो बेशक जाए मगर उसके फादर उसके साथ जाएंगे बल्कि सिर्फ जाएंगे ही नहीं बल्कि दो घंटे तक के उसके साथ वहाँ पे स्पेंड भी करेंगे और उसको वहाँ पे जो टाइट ड्रेस के बजाय का ड्रेस भी पहनना होगा बड़ा हल और छोटी हल अब यहाँ दिखाते हैं कि कमाला जो है वो मना कर देती है अपने फ़ादर के साथ जाने से रंजा कौन में इसके अलावा और वो वानोस का ड्रेस भी पहनने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ जाना चाह रही थी क्योंकि उसको कंपटीशन वगैरह में भी पार्ट लेना था लिहाजा वो मना कर देती है और फादर को इस वजह से नहीं लेके जाती कि बाकी सब उसका मज़ाक उड़ाएंगे अब यहाँ पर दिखाते हैं कि कमाला और ब्रोना आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं अब ब्रोनो जो है वो एक आई एक्सपर्ट है काफ़ी और उसको स्किल वगैरह हैं तो वो इस तरह से जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाता रहता है टैक्स से रिलेटेड और उसने ही कमाला को ये ग्लव्स बना के दिए हैं उसकी कॉस्ट्यूम के ऊपर पहनने के लिए फिर दिखाते हैं कि जो ब्रोनो है ये एक टैक्स स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए उसने अप्लाई वगैरह किया हुआ है इनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है इसमें तो ये एक ज़बरदस्त सी बात है अब आगे चल के दिखाते हैं कि कमाला को एक आइडिया आता है कि किस तरह से वो अवेंजर कौन में जा सकती है तो ये काफ़ी फ़िक्शस आइडिया है इसके हिसाब से ये काफ़ी सिंपल भी है कि सिंपली वो कम कमाला जो है वो इस तरह से फिक्शस स्टाइल में जो है वो एवेंजर कॉन में एंट्री लेंगी लेकिन यहाँ पे ये होता है कि कमाला की बाइक गिर जाती है लेकिन ये लोग कॉन में एंटर हो जाते दिखाते हैं इनका इवेंट बहुत ज़बरदस्त था और ये बिल्कुल एवेंजर लवर्स के लिए और फिक्शन लवर के लिए एक जन्नत के तौर पर था फिर यहाँ दिखाते हैं कि कमाला एक लड़की को देखती है जो कि एग्जैक्ट सेम कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जो कि कमाला नहीं पहनना था यानी कि कैप्टन मार्वल का और वो और कोई नहीं वो जुई थी जुई, जुई जो है वो इसके स्कूल में पढ़ती थी और जनाब यहाँ पर जुई काफ़ी हद तक के कैप्टन मार्वल से मैच करती हुई दिख रही थी और बट अकॉर्डिंग टू ब्रोनो ब्रोनो को नहीं लगती लगता कि ये कैप्टन मार्वल से मिलती है बट आगे चल हमें दिखाएंगे कि जूई का जो कैरेक्टर है ये जो है वो एज अ एंटेगनिस्ट जो है वो कमाला के अगेंस्ट खड़ी होगी लाइक ये कमाला के अगेंस्ट में जो है वो एज अ विलन आएगी अब आगे चल के हमें दिखाते हैं कि वहाँ इवेंट में डिफरेंट तरह के जो है वो और भी जो है वो लोग आए हुए थे और काफ़ी जो है वो स्लोगन्स वगैरह इस तरह से डिस्प्ले हुए हुए थे और प्रोडक्ट्स वगैरह रखी हुई थी तो कमाला और ब्रोनो काफ़ी एंजॉय करते हैं और यहाँ पे अमेरिका एस को जो एंड गेम में जो है वो काफ़ी जो है वो दिखाया गया था एज स्लोगन के तौर तो पे भी तो यहाँ पे दिखाया जाता है तो ज़बरदस्त सा जो है वो ये इवेंट जा रहा था और यहाँ पे कमाला और ब्रोनो को काफ़ी एंजॉय करता हुआ दिखाया जाता है फिर दिखाते हैं कि कमाला जो है वो कॉस्ट्यूम पहन लेती है और साथ में ये अपनी नानी का बैंगल लेके आ गई थी तो लिहाजा ये बैंगल जो है वो वो पहन लेती है आप पहनती है तो जो है जैसे ही ये बैंगल कमला पहनती है तो ये एक, एक स्पेशल किस्म की जो है वो एनर्जी फील करती है बॉडी के अंदर और ये कुछ ऐसा फील करती है लाइक ये किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है एक पल के लिए एंड फिर ये जो है ऐसा होता है कि वो फ़ौरन से जो है ना प्रेजेंट में आ जाती है और आ, एक एक अलग ही किस्म की एनर्जी फ़ील कर रही होती है कमाला अपने अंदर और वहाँ पे दिखाते हैं कि कमाला जो है वो डिफरेंट तरह की इसके अंदर जो है वो पावर्स जनरेट होने लग जाती हैं उसके अंदर और वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है लाइक हाथों का एक्सटेंड कर लेना और काफ़ी सारी चीज़ें बट यहाँ पे ये यह होता है कि वहाँ पे वो जुई की जान बचाती है अपनी सुपर पावर्स को यूज़ करते हुए कमाला वहाँ पे जुई की जान भी बचाती है बट वहाँ पे उसकी इस हरकत को कोई नोट नहीं कर पा रहा था आई डोंट नो वाई दे आर सो ड्रंक के जो है वो बिल्कुल भी जो है उन्होंने ऐसा फ़ील नहीं किया कि ये लड़की यहाँ पे सुपर रियल सुपर पावर यूज़ कर रही है बट कोई भी इवन के जुई भी ऐसा जो है वो नोटिस uh, नहीं कर पाती है बट कमाला यहाँ पर क्या करती है कि कर कमाला uh, को तो पता होता है कि उसके अंदर कुछ अलग तरह से जो है वो चेंजे uh, आ रही हैं और वो जो है वो सुपर पावर शायद उसके अंदर फील फीलिंग्स आ रही है जैसे कि वो सुपर पावर यूज़ कर सकती है लाइक हाथों को एक्सटेंड कर लेना और अलग तरह की एक एनर्जी अब यहाँ पे दिखाते हैं कि कमाला जो है वो अपने घर वापस आ जाती है दोनों की हेल्प से बट वो दो घंटा लेट घर पहुंचती है खिड़की के रास्ते बट जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है वहाँ उसके रूम में उसकी माम उसका वेट करती हैं और काफ़ी हौसला होती हैं और उसको अच्छे से उसकी झाड़ पिलाती हैं लाइक उसको समझाती भी हैं कि जो है वो सुधर जाओ लाइक यू you नो know? अब एक सॉन्ग आता है जिसके बाद दिखाते हैं कि दो एजेंट खड़े आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं एक वीडियो को देख के जो कि एवेंज कॉन के इवेंट के, के दौरान तब बनाई गई होती है जब कमाला अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए जुई को बचा रही थी प्रोटेक्ट कर रही थी तब ये इवेंट के दौरान ये जब लाइफ सब कुछ हो रहा होता है तब तो कोई इसको नोटिस नहीं करता लेकिन ये एजेंट इस वीडियो को देख के समझ जाते हैं कि देर इज़ प्रॉब्लम विथ दिस गर्ल और ये जो मेल एजेंट है ये आ, आपको जो है वो स्पाइडरमैन के अंदर भी नज़र आया था पीटर पार्कर के साथ इंटरोगेशन वगैरह करते हुए ये असल में डैमेज कंट्रोल अथॉरिटी से होते हैं और ये एम के वर्ल्ड में जो है वो आ, सुपर हीरोज से इंटरोगेशन वगैरह करते हैं और उनको पकड़ते हैं ताकि ह्यूमिटी को इनकी सुपर पावर्स से जो डिज़ास्टर्स आ रहा हो या कुछ नुकसान होने वाला हो तो उससे बचा सकें ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और एक पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज पेश करती है मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानियों के हवाले से क्योंकि इससे पहले जो है वो पाकिस्तानियों का और ख़ास करके मुसलमानों का एक बैड इम्पैक्ट और एक बैड इमेज जो है वो दुनिया के सामने था तो ये काफ़ी अच्छी है और ये पॉजिटिव इमेज शो कर रही है वरना अक्सर मूवीज़ में मुस्लिम्स को या पाकिस्तानियों को जो है वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट और बहुत ज़्यादा टेररिस्ट माइंड सेट का दिखाया जाता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर कर लें और अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताओ ताकि मैं और रिव्यूज़ करूँ या ना करूँ ठीक है